हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे स्वर्ग के पास वाली गली के नाली में उगाए गए ऐसे स्पेशली डिजाइंड घास के बारे में, जिसको सिर्फ सूंघने मात्र से आप अपने सोचने समझने की शक्ति को क्षीण होता हुआ महसूस करेंगे एंड सेवन के बाद में 2-3 दिनों तक अपने आप को स्वप्न नगरी में हिचकोले खाते हुए पाएंगे। ऐसा ही एक घास का टाइप कुछ दिन पहले आसूस के कुछ सेल्स टीम के ऊपर परीक्षण किया गया था एंड रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आया है इन द फॉर्म ऑफ न्यू रोग सीरीज विद प्राइस ऑफ 93,000। सो आज हम थोड़ा सा इस चमत्कारी यूएफओ समान एलईडी लाइट वाले लैपटॉप के ऊपर में और भी ज्यादा प्रकाश डालेंगे। सो सबसे पहले तो बड़ी ही खुशी की बात यह है कि RTX 3050 Ti के लैपटॉप्स लॉन्च हो गए हैं इंडिया में। सो अब हम गरीबों को और ज्यादा दिन पिज्जा के नाम पे मोनाको बिस्किट में टॉपिंग्स लगा के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बच्चों के पिगी बैंक के चक्कर में पेपा पिग देखना पड़ेगा उनके साथ बैठ करके। ऐसा मेरा सोच था, बट इस यूएफओ के लॉन्च होने के बाद मेरे सारे सपने गली के नाले में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे देखते हैं। तो इस लैपटॉप में फिलहाल आपको मिलेगा RTX 3050 Ti जो कि 4GB GDDR6 VRAM के साथ मिलेगा, जिसमें यू विल गेट 2560 CUDA कोर, 20 RT कोर एंड 80 टेंसर कोर्स। सो बेनिफिट इज Gen 2 रियल टाइम रे ट्रेसिंग एंड DLSS के साथ बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा कंपेयर टू GTX 1650। बट सैडली इस लिस्टिंग में कहीं भी GPU का TGP के बारे में नहीं बताया गया है, बट बिवेयर कि इस GPU का TGP वेरीज फ्रॉम 35W टिल 80W। सो अगर आपको फुल पावर्ड 80W TGP का GPU मिलता है देन वो पुराने RTX 2060 के आसपास परफॉर्मेंस देगा, विच इज रियली गुड। बट लोअर TGP वाले आपको जमीन के अंदर मुंह ठूंस के रोने लायक भी नहीं छोड़ेगा। सो ये TGP वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई गेस आप लोएस्ट TGP में RT कोर्स का मजा भी नहीं ले पाओगे और ना ही परफॉर्मेंस में आपको 1650 से ज्यादा कुछ हाथ लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आसूस के ही साइट में चेक करने से मुझे ये पता चला कि शायद इस लैपटॉप का TGP 80W प्लस 15W विद डायनामिक बूस्ट हो सकता है, ऐसा यहां लिखा है। बट यहां जिस लैपटॉप के बारे में डिस्कस हो रहा है उसका हमारे लैपटॉप से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सो मैच नहीं कर सकते कि ये इसी लैपटॉप के बारे में है। वैसे मैंने आसूस वालों को मैसेज किया है, एक बार वो रिप्लाई करते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा जरूर, बट फिलहाल इसको आप कंफर्म लेकर के मत चलो। नेक्स्ट आपको मिलेगा AMD का आज का असिस्टेंट सुपर हीरो 5600H विद 6 कोर एंड 12 थ्रेड एंड इट्स रियली परफॉर्मिंग वेल एज पर फ्यू रिजल्ट्स व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स। सो डेफिनेटली इस प्रोसेसर के बारे में आप आगे सोच सकते हैं एंड एज यू नो कि ROG सीरीज जनरली लिक्विड मेटल का यूज करता है फॉर कूलिंग देयर प्रोसेसर, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं बट यूजुअली फैन बेस्ड कूलिंग सिस्टम से थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसको बदलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। डिस्प्ले इज 15.6 इंच 1080p 144 हर्ट्ज के साथ 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 62.5% sRGB, जो कि मेरे हिसाब से नॉट दैट ग्रेट। इट्स ओके फॉर गेमर्स बट क्रिएटर थोड़ा बाहर ही रहने का प्रयास करें इस लैपटॉप के रेडियस से। नेक्स्ट 16GB का रैम 3200 MHz के साथ एंड अपग्रेडेबल अप टू 32GB। अभी फिलहाल तो नहीं पता कितना लकड़ी मिलेगा और ये सिंगल चैनल में है या डुअल चैनल में, बट दो स्लॉट जरूर दिए गए हैं इस लैपटॉप में। स्टोरेज रोते हुए 512GB दिया गया है, SSD इट शुड बी अपग्रेडेबल मेरे हिसाब से। कीबोर्ड डेक में स्पेशल डॉट मैट्रिक्स डिजाइन मिलेगा जो कि स्पेशल लुक देगा आपके लैपटॉप को एज पर आसूस। वैसे मुझे अपने लैपटॉप में इतने ज्यादा छेद खास पसंद नहीं है। पोर्ट्स आर एट द बैक साइड आगे दोनों एंड साइड खाली मिलेंगे, अच्छा खासा स्पेस मिलेगा आपको आपके चाय एंड मसाला डोसा विद एक्स्ट्रा चीज के लिए। वाईफाई 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 5.2 नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 200W AC एडाप्टर एंड 56W का बैटरी। सो बैकअप जैसी कोई चीज होती है इसके बारे में आप फिलहाल तो भूल जाइए, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वेट इज 2.1 kg। सो टोटल मतलब एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है आसूस ने एंड नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो घास बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंड सेल्स टीम पे बहुत ज्यादा अच्छा असर दिखाया है। इस लैपटॉप का सिर्फ सेलिंग पॉइंट था RTX 3050 Ti, जिसको बजट ग्राफिक्स कार्ड मैं मान रहा था अब तक, बट वो भी बजट में लॉन्च नहीं हुआ है, दैट इज सैड। सो अगर इस लैपटॉप को लेने का दिल में कहीं भी किसी कोने में भी खलबली मच रहा है तो इनोपियो गैस से निवारण मिलेगा एंड खलबली कम हो जाएगा, बट ये लैपटॉप फिलहाल तो मत लो, इनफैक्ट मेरे हिसाब से मत ही लो क्योंकि इसका डिस्प्ले सीरियसली बहुत ज्यादा गंदा होने वाला है शायद। ना ही स्टोरेज मिल रहा है आपको बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है 3050 Ti लिख करके छोटी हड्डी को बड़े पैकेट में पैक करके हमारे आगे फेंका गया है बस ललचाने के लिए। वो तो भला हो सेल्स टीम का एंड उस घास का जिसकी वजह से एटलीस्ट विचार करने के लिए तो रुकना पड़ा, वरना ये अगर 75,000 या 80,000 के करीब होता तो शायद अब तक कुछ 20 निकल भी गए होते वेबसाइट से। सो ओवरऑल TGP क्लियर होने के बाद में आपको कंफर्म कर सकते हैं ये लैपटॉप लेने लायक है या नहीं है एंड फिलहाल तो उससे बेटर ऑप्शन में आप ओमेन 15 की तरफ जा सकते हैं विद 1660 Ti एट 80,000 एंड न्यू निट्रो विद RTX 3060 अगर उतना बजट है तो। सो आज के लिए बस इतना ही, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।